Hello everyone. Very good evening. Greetings to all and welcome to taskbook.com. My name is Situari and hope you are doing well. So hello everyone, namaskar, स्वागत है आप सभी का टास्कबुक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर. मेरा नाम सितिवारी है और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बेहतर होंगे. यस गाइस, सो आप सभी को मालूम है कि हम लोगों ने एसएससी जेई के लिए जनरल अवेयरनेस की पूरी एक वाईटी सीरीज यूट्यूब सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हमने सबसे पहला जो वीडियो डिस्कस किया था वो स्ट्रेटजी वीडियो था कि आप जो जनरल अवेयरनेस के आपके टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट पेपर में, आप उनको कैसे कवर करें और आप बेहतर स्कोर कैसे कर सकें. उसके बाद हमने जो भी आपके इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, उन सभी को हमने डिस्कस किया. तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हमने कवर किए. मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में हमने जीके के क्वेश्चन किए, फिर ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, हिस्ट्री के, ये सभी हमने क्वेश्चंस कवर किए हैं. स्टैटिक के भी क्वेश्चन कवर किए हैं. फिर उसके बाद हम लोगों ने मॉक सेशन स्टार्ट किया है गाइस से, ठीक है. सो ऑलरेडी हमने कल एक मॉक ऑलरेडी टेस्ट कवर किया हुआ था, सो आई होप कि आप लोगों ने वो जरूर देखा होगा. अब आज के सेशन में हम लोग मॉक टेस्ट सेकेंड के बारे में डिस्कस करने जाएंगे, ठीक है. सो सभी का वेलकम है. यस सुनील कुमार, वेरी गुड इवनिंग गाइस, सभी का वेलकम है. चले गए जितने भी लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, सो एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर करते चले जाइएगा, ठीक है. सो दैट बाकी के अदर कैंडिडेट भी जुड़ पाएंगे. तुलसी सिन्हा, यस वेरी गुड इवनिंग. सो आई होप कि आप सभी बेहतर होंगे और आप सभी की जो प्रिपरेशन है वो बेहतर चल रही होगी टाइमिंग के साथ. चले गए. सो आज हमारा मॉक नंबर सेकेंड, और मॉक सेकेंड में मैं आपके साथ पास जो है टोटल साथ डिस्कस करने जाऊंगा टोटल 50 क्वेश्चन. तो हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं, और ये जो क्वेश्चन होंगे याद रखिएगा मिक्स्ड क्वेश्चन है, यानी कि इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर, स्टैटिक, सारा पूरा मिक्स पोर्शन रहने वाला है. सो प्रयास कीजिएगा कि आप इसमें बेहतर से बेहतर स्कोर कर सकें, ठीक है. सो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन. स्टार्ट करने से पहले एक दो चीजें यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा कि ये ऑलरेडी वो लोग हैं जो 2021 में टेस्टबुक टीम के साथ जुड़ करके इन्होंने प्रिपरेशन की और 2021 में गेट में ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं. सो इस समय टेस्टबुक में बहुत सारे टेक्निकल कोर्सेस ऑलरेडी चल रहे हैं और आप इन कोर्सेज में इन्वाइटेड हैं, ज्वाइन कर सकते हैं टेस्टबुक टीम के साथ और अपनी प्रिपरेशन को आसान बना सकते हैं, ठीक है. सो ये ऑलरेडी मैंने आपका लास्ट ईयर का 2021 का पूरा जो हमारा जीए का पेपर था, जिसमें आपके टोटल 50 क्वेश्चन जो पूछे गए थे, किस किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, ये मैंने आपको पूरा बाइफरकेशन दिया था. हिस्ट्री का, पॉलिटी का, करंट अफेयर का, साइंस का, और दूसरा कौन सा आपका, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, अवार्ड, साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है. तो इसमें हमने बात की थी कि जो मैक्सिमम आपका वेटेज रहता है ये किसका रहता है, याद रखिएगा करंट का और स्टैटिक का, ठीक है. चलिए गाइस, सो आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा. निधि गुप्ता, यस वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद, सभी का वेलकम है. चले गए. सो सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर है, बताइएगा जरा इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है. हिस्ट्री का बहुत ही फेवरेबल क्वेश्चन है. एंशियंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हो तो बुद्धिज्म पढ़ते होगे, बुद्धिज्म पढ़ते हो तो मौर्य डायनेस्टी भी उसके बाद देखते होगे, और मौर्य डायनेस्टी देखते हो तो भारत के एक राजा के बारे में हम लोग जरूर पढ़ते हैं जिसका नाम है अशोक, ठीक है. पूछा जा रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. तो सबसे पहला सर्वेक्षक कौन था भारतीय जो एएसआई है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका सही आंसर क्या होगा. सो तुलसी दीने जी ने जो आंसर दिया है दैट इज अ ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट. बाकी सभी अदर लोगों के आंसर का इंतजार है कि बाकी सभी अदर लोग क्या आंसर देते हैं. सो बच्चों इस क्वेश्चन के देखिए, अगर हम लोग राइट आंसर की बात करने जाएं तो इसका जो करेक्ट आंसर याद रखिएगा दैट इज ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट. तो कनिंघम जो है, याद रखिएगा अलेक्जेंडर कनिंघम है, इसको हम फादर भी कह सकते हैं या फिर फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी कह सकते हैं, या इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का सबसे पहला हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, सर्वेक्षण. तो ये जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है इसका हम लोग क्या भी बोलते हैं, फादर. और जेम्स प्रिंसेप के बारे में तो आप सभी जानते हो, जेम्स प्रिंसेप वो व्यक्ति है जिसने 1837 में जो अशोका पिलर थे, अशोका रॉक एडिक्ट थे, उन सभी को सबसे पहले पढ़ा हुआ था, ठीक है. सो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है. चलेगा अगला क्वेश्चन देखेंगे गाइस. देखिए ये जो संख्या है ना पांच कैंडिडेट की, ये संख्या जरूर बढ़नी चाहिए. अगर इतने कम कैंडिडेट रहेंगे सो डेफिनेटली आगे जाकर के हम लोगों को जो सेशन है वो बंद करने पड़ेंगे, और ये जो है थोड़ा बहुत सपोर्ट आपका बढ़ना चाहिए, ठीक है. ठीक, रोहन ऑलरेडी मैंने पिछले क्लासेस में सारी चीजें डिस्कस की हुई हैं. आप ये जो आपको सभी एक बार जाकर के प्लेलिस्ट में चेक कीजिएगा, आपको सभी वीडियोज मिल जाएंगे. तो अभी तक मैंने 5 से 6 वीडियोज लगभग डाल दी हैं, तो एक बार उन वीडियोज को देखिए, अगर उसमें के अलावा कुछ समझ में नहीं आता है तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है.
चलिए देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट आर्मी ऑफिसर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया टू बिकम कन्फर्ड द रैंक ऑफ फील्ड मार्शल। तो जरा बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। सैम मोनेक्सो होगा, तपीश्वर नारायण रैना होगा, ठीक है, गोपाल गुरुनाथ बेवूर होगा, या ओम प्रकाश मल्होत्रा। और इसका जो राइट आंसर है, दैट इज मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर दिया है, दैट इज अ ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। ठीक है, सो इसका जो करेक्ट आंसर याद रखिएगा, दैट इज अ ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट, गोपाल गुरुनाथ बैबू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा। पूछा जा रहा है कि हु वॉज द हिंदू संत हु डिड अनशन टू स्टॉप द किलिंग ऑफ एनिमल इन द टेम्पल्स ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है कि वो हिंदू संत कौन थे जिन्होंने भारत के अलग अलग मंदिरों में जानवरों की हत्या को रोकने के लिए कई बार अनशन किया हुआ है। महात्मा रामचंद्र वीर, उमेद राज महाराज, उमेद आ, आ, राम महाराज, करता राम महाराज, या फिर महर्षि नवल राम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, विच ऑप्शन इज करेक्ट, वन होगा, टू होगा, थ्री होगा, या फिर फोर होगा। और इसका देखिए, अगर हम लोग सही राइट आंसर की बात करने जाए, सो ऑप्शन वन इज करेक्ट। तो महात्मा रामचंद्र नाम के जो संत हुए हैं, इन्होंने कई बार अनशन किया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपका। पूछा जा रहा है कि वाखान गलियारा किन दो देशों को पृथक करता है। ठीक है, तो आपने वाखान कॉरिडोर के बारे में सुना होगा, आई होप, वाखान कॉरिडोर। ठीक है, जैसे आपने एक डंकन पास के बारे में सुना होगा, खैबर पास के बारे में सुना होगा, हिंदुकुश पास के बारे में भी डेफिनेटली आपने सुना होगा। ठीक है, ये जो इम्पोर्टेंट पासेस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खैबर, हिंदुकुश, ठीक है, यहाँ पे बात की गई है वाखान कॉरिडोर की। तो ये निम्न में से किन दो देशों को अलग करता है? भारत और चीन को, तजाकिस्तान और पाकिस्तान को, भारत और बांग्लादेश को, भारत और पाकिस्तान को। इसका सही आंसर क्या होगा? विच ऑप्शन इज करेक्ट। थोड़ा सा डिफिकल्ट ये बच्चों को आंसर दिख रहा होगा, तो इसका जो राइट आंसर याद रखिएगा, दैट इज अ पाकिस्तान एंड तजाकिस्तान। तो तजाकिस्तान तो आई होप कि सभी को मालूम होगा। इसी तजाकिस्तान में आपका क्या पाया जाता है? पामीर ऑफ, ये पामीर ऑफ नॉट, आप सभी को मालूम होगा। जो पामीर नॉट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रूफ ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, आई होप कि ये सभी को मालूम होगा, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जो विश्व की पठार बोला जाता है, विश्व की छत बोली जाती है, वो किसको बोला जाता है? पामीर नॉट को। और ये किस में पाया जाता है? तजाकिस्तान में। तो तजाकिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो कॉरिडोर है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज द वाखन कॉरिडोर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन गेव द स्टेटमेंट स्वराज फॉर द मासेस नॉट फॉर द क्लासेस। तो आपने ये कई बार शब्द देखा होगा, जो स्वराज शब्द है, इसकी अवधारणा अलग अलग लोगों ने दी है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी स्वराज, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास, वो भी स्वराज शब्द की अवधारणा देते हैं। ठीक है, फिर 1929 में INC के द्वारा एक स्लोगन भी दिया जाता है, पूर्ण स्वराज। ठीक है, तो ये एक अलग अलग स्टेटमेंट पूछा गया है कि किस व्यक्ति के द्वारा ये कथन दिया गया था, जो स्वराज होना चाहिए वो आम जनता के लिए होना चाहिए, ना कि किसी पर्टिकुलर विशेष वर्ग के लिए। और ये जो राइट आंसर दिया गया था, दैट वॉज गिवन बाई द सी आर दास। ठीक है, और यही जो आपके सी आर दास थे, यही 1923 में किस पार्टी से जुड़े हुए थे? ही वॉज एसोसिएटेड विद द स्वराज पार्टी। ये याद रखिएगा कि ये स्वराज पार्टी, स्वराज हाँ, ये आप ये कह सकते हो, मतलब ये स्वराज पार्टी से जुड़े हुए क्रांतिकारी थे। ठीक है, और दूसरा इनके बारे में एक और पूछा जाता है कि जो सी आर दास थे, चितरंजन दास की हम लोग बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल टीचर भी माने जाते हैं। ही वॉज ऑल्सो कॉन्सिडर्ड एज द पॉलिटिकल टीचर, या आप कह सकते हैं पॉलिटिकल गुरु, किसके? ऑफ यस, SC बोस। ठीक है, हाँ, सुभाष चंद्र बोस के पॉलिटिकल टीचर भी माने जाते हैं। जैसे हम लोग गुरु गोपाल कृष्ण जो गोखले जी हैं, उनको महात्मा गांधी का पॉलिटिकल टीचर मानते हैं, और गोपाल कृष्ण गोखले के जो पॉलिटिकल टीचर हैं, वो कौन होते हैं? महादेव गोविंद रानाडे। तो सी आर दास पॉलिटिकल टीचर माने जाते हैं, किसके? SC बोस के। ठीक है, आई होप कि यहां तक सभी को क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जरा देखिएगा, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। रोहन ऑलरेडी देखो बेटा, वो मैंने ऑलरेडी डाला है, आप पहला वीडियो जाकर के एक बार चेक करो, जब आपको समझ में आएगा। और अगर उसके बाद नहीं आता है, तो डेफिनेटली मैं आपको दोबारा से डेफिनेटली डिटेल में लेकर के आऊंगा। लेकिन एक बार ऑलरेडी प्रीवियस जो वीडियो है प्लेलिस्ट में डाल दिए गए हैं, सो उनको एक बार देखिए, प्लीज चेक कीजिएगा। यस, इसका राइट आंसर बताइएगा जरा। हु ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड द इंडियन रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड इंडिया इंडिपेंडेंस लीग, ठीक है, इन USA। तो जरा बताइएगा कि इसकी स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? विच ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो सभी को मालूम है, यहाँ पर हम लोग बात, देखो जो लाला हरदयाल है बेटा, लाला हरदयाल, जो भी लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं, लाला हरदयाल के द्वारा
गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। तो गदर पार्टी अलग है, गदर जो पार्टी है ये याद रखिएगा, ये अलग है, और जो तारकनाथ के द्वारा स्थापित की गई थी जिसका नाम क्या था, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, ये आपकी पार्टी अलग है। तो यूएसए में एक रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन स्थापित की गई थी जिसका नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, ये तारकनाथ के द्वारा। और गदर पार्टी की जो स्थापना की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, लाला हरदयाल के द्वारा 1913 में, जिसका हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को यूएसए था। तो दोनों चीजें याद रखिएगा अलग अलग है, ठीक है, दोनों चीजें आपकी अलग अलग है, समझ में आ गया, ठीक है। हाँ ये भी डेफिनेटली वहां पे ही थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आगे जाने से पहले मैं आपको दो कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि टेक्स्ट बुक में इस समय दो टेक्निकल कोर्स स्टार्ट हुए हैं, एक सिविल जूनियर इंजीनियर का और दूसरा स्टार्ट हुआ है आपका गेट एंड ईएससी एमई का 2023 का। तो आप अगर इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इन कोर्सेज के लिए एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑनलाइन सेगमेंट की बेस्ट फैकल्टी मिल जाएगी, सभी में 500 प्लस लाइव क्लासेस हैं, मोर देन 500 और 400 फुल लेंथ आपको यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, 200 और 100 प्लस फुल लेंथ टेस्ट हैं और 100 प्लस पीडीएफ नोट्स हैं। और सिंपली आपने यूज कौन सा कोड करना है, SHIVKT गेटी टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछा जा रहा है विजयनगर साम्राज्य का इतालवी देशाटक कौन सा था, ठीक है। तो जरा बताइएगा इसमें देखिए पूछा क्या गया है कि जो वेनेटियन ट्रेवलर, इसमें ये पूछा गया है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति था। देखिए हम अगर विजयनगर साम्राज्य की बात करने जाएं तो ये जो विजयनगर साम्राज्य है ये 1336 ईस्वी में एग्जिस्टेंस में आता है, और इसके फाउंडर कौन थे, एक था हरिहर, हरिहर एंड बुक्का। सो आई होप कि आपने हरिहर और बुक्का के बारे में पढ़ा होगा। इन दोनों के द्वारा तुगलक डायनेस्टी के समय में डाउन साउथ में विजयनगर एम्पायर की स्थापना की जाती है, विजयनगर एम्पायर की स्थापना की जाती है, ठीक है। और बहुत ही लंबे समय तक ये शासन करता है विजयनगर एम्पायर, 450 साल तक ये चलता है। तो इसमें अलग अलग विदेशी यात्री आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें ये पूछा गया है कि जो वेनेटियन ट्रेवलर था ये कौन सा था, और इसका जो राइट आंसर याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, दैट इज अ निकोली डी कॉन्टी, ठीक है। सो ऑप्शन ऑप्शन वन इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन वन इज करेक्ट। आई होप कि सभी को मालूम होगा मेगस्थनीज, आप सभी को मालूम है कि मेगस्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, और ये हम लोग बात कर रहे हैं 305 BC की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। वास्को डी गामा आया था आपका 1498 में, और ये कहाँ से आया था, पोर्तुगीज से आया था, पोर्तुगीज से। और ये जो मेगस्थनीज था ये कहाँ से आया था, तो ये सभी को मालूम है कि ये ग्रीक एम्बेसडर था, ग्रीक सेल्यूकस निकेटर का। और इब्न बतूता सभी को मालूम होगा कि ये आया था आपका मोरक्को से, ठीक है, ये आपका मोरक्को से आया था, किसके राज दरबार में, मोहम्मद बिन तुगलक के राज दरबार में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ मापले लीव। तो जरा बताएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, विच ऑप्शन इज करेक्ट, निधि, एबी डिविलियर, ठीक है, यस, संतोष कुमार साहू, काफी सारे लोग जुड़े हुए हैं, आंसर कर रहे हैं गाइस, ठीक है। देखिए गाइस सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिए, ठीक है, जब तक हम ज्यादा बच्चों तक नहीं पहुंचे सो डेफिनेटली हम लोग मतलब वो मजा नहीं आएगा, वो फीलिंग नहीं आएगी कि यस हम लोग ज्यादा बच्चों से जुड़े हुए हैं। जितने ज्यादा बच्चे आंसर करेंगे उतना बेटर रहेगा, ठीक है। इसका जो राइट आंसर याद रखिएगा, दैट इज ऑप्शन फोर इज करेक्ट, कनाडा, ठीक है। तो जो आपके मैपल लीफ होते हैं, ठीक है, ये लैंड बोली जाती है, किसको बोला जाता है, कनाडा को बोला जाता है, सो ऑप्शन फोर इज करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि विच इंडियन हिस्टोरियन वन इजराइल प्रेस्टिजियस डैन डेविड प्राइज। तो निम्न में से कौन से ऐसे इतिहासकार हैं जिनको इसराइल का एक सम्मान दिया गया है जिसका नाम है डैन डेविड प्राइस। अभी आपको पता होगा कि भूटान का एक हाईएस्ट अवार्ड दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। यहाँ पर एक इतिहासकार की बात की जा रही है, सुमित सरकार, इरफान हबीब, मृदुला मुखर्जी या फिर संजय सुब्रमण्यम। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, यस, सो इसका जो राइट आंसर याद रखिएगा, दैट इज ऑप्शन वन इज करेक्ट, संजय सुब्रमण्यम, इनको इसराइल का हाईएस्ट अवार्ड दिया गया है। अच्छा इसराइल की कोई मुझे बता सकता है कि इसराइल की कैपिटल और करेंसी कौन सी है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, कैपिटल और करेंसी की, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इसराइल एंड व्हाट इज द करेंसी ऑफ इसराइल। सो अगर कैपिटल की बात करने जाए सो आई होप कि सभी को मालूम होगा कि इनकी जो कैपिटल है वो जेरूसलम है, और जो करेंसी है वो याद रखिएगा दैट इज अ इजरायली शेकेल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द विंध्या रेंज, ठीक है। तो निम्न में से कौन सी ऐसी नदी है जिसका उद्गम आपकी विंध्याचल श्रेणी से होता है। सो विंध्याचल श्रेणी आई होप की मालूम होगी, जब भी आपने इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा होगा, तो ये आपका अरावली हो गया, ऊपर वाला जो पूरा पार्ट है ये कौन सा हो गया, हिमालय का पार्ट हो गया,
यहाँ पर आपकी मिलेगी विंध्या और सतपुड़ा वाला रेंज यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। और ये नीचे वाला जो पार्ट मिलेगा ये कौन सा होगा, डेक्कन ट्रैप होगा, जिसमें वेस्टर्न घाट है और यहाँ पर कौन सा ईस्टर्न घाट है। तो ये नदी पूछ रहा है कि जिसका उद्गम आपके विंध्यन रेंज से होता है, कावेरी है, चेनाब है, गोमती है या फिर बेतवा है। तो इसका राइट आंसर बताएगा, देखिए अगर हम लोग बात करने जाएं जो कावेरी है, देखिए कावेरी डाउन साउथ में पड़ती है, तो आपको ये मालूम है कि इसका जो उद्गम है ये डाउन साउथ में है, ठीक है, ये आपकी पेनिनसुलर रिवर है। चेनाब की अगर हम लोग बात करने जाएं तो चेनाब जो है आप सभी को मालूम होगा कि ये इंडस रिवर, इंडस की सिंधु नदी की सहायक नदी है और इसका उद्गम कहाँ से होता है, हिमाचल प्रदेश के आसपास से, ठीक है। अच्छा गोमती की अगर हम लोग बात करने जाएं तो गोमती आपने देखा होगा नॉर्थ में ये बहती है, ठीक है, ये आपकी किसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है और इसके किनारे लखनऊ सिटी लोकेटेड है। तो यहाँ पे एक ही राइट आंसर होगा, बेतवा। और बेतवा किसकी सहायक नदी है, यमुना की, और यमुना किसकी सहायक नदी है, गंगा की, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन वन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पूछा जा रहा है कि द स्पीकर्स ऑफ मेजर इंडियन लैंग्वेज बिलोंग टू हाउ मेनी लैंग्वेजेस फैमिलीज। तो इसका राइट आंसर बताया गया, जरा प्रमुख भारतीय भाषाओं को बोलने वाले कितने भाषा परिवारों से है। ये मैं बोलूंगा कि हाँ कुछ खास इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है कि आप इसको ज्यादा प्रियोरिटी दें, ठीक है। ऑप्शन वन इज करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा, पूछा जा रहा है कि वेयर इज द फेमस अलाई दरवाजा बिल्ट बाई अलाउद्दीन खिलजी इज लोकेटेड। तो आप देखो एक देखते हो बुलंद दरवाजा, ये आपको पूछा जाता है बुलंद दरवाजा, ठीक है, आई होप कि डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स में। दूसरा पूछा जा रहा है कौन सा अलाई दरवाजा, तो आप ये दो इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन पूछते हो, ठीक है। तो अलाई दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया था, कहाँ पर स्थित है, ये है आपका न्यू दिल्ली में, और ये किसका पार्ट है, तो ये कुतुब कॉम्प्लेक्स का पार्ट है, कुतुब कॉम्प्लेक्स जो कुतुब मीनार वाला है भाग है उसका ये पार्ट है, ठीक है। लेकिन बुलंद दरवाजा की अगर हम लोग बात करने जाए तो इट इज लोकेटेड इन फतेहपुर सीकरी, ये कहाँ पर स्थित है, फतेहपुर सीकरी, और ये अकबर के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट, ठीक है। चलिए गाइस सेशन को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा और सभी लोग कमेंट सेक्शन में, चैट सेक्शन में आंसर करते रहिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत के किस राज्य में, इन विच स्टेट्स इन इंडिया विल यू फाइंड द, हाँ, जमराई तलांग माउंटेन। तो भारत के किस राज्य में आपको जमराई तलांग पर्वत मिलेंगे, त्रिपुरा में, आसाम में, बिहार में या सिक्किम में, इसका सही आंसर बताइएगा, ठीक है। कल्पना गौतम, निधि, तुलसी, चलिए काफी सारे लोग इसमें राइट आंसर टिक कर रहे हैं। सो इसका जो राइट आंसर याद रखिएगा बच्चों, दैट इज ऑप्शन वन इज करेक्ट, त्रिपुरा, ठीक है, ऑप्शन वन इज करेक्ट, त्रिपुरा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विथ वेस्ट बंगाल। तो निम्न में से कौन सा ऐसा राज्य है जो वेस्ट बंगाल के साथ अपनी बॉर्डर शेयर नहीं करता। तो इसके लिए आपको पूरी तरीके से भारत का मैप मालूम होना चाहिए, अगर आपने भारत का पूरा मैप पढ़ा है तभी आप आंसर टिक कर पाएंगे। तो ये है वेस्ट बंगाल, यहाँ पे आपका ये पड़ गया आसाम, यहाँ पे आपका कौन सा हो गया मेघालय, ये वाले भाग में जिसमें गारो खासी जयंतिया हिल है, और यहाँ पर आपका पड़ता है झारखंड। तो निम्न में से कौन सा राज्य है जो इसके साथ अपनी बाउंड्री शेयर नहीं करता, और राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, मेघालय। आसाम टच करता है वेस्ट बंगाल को, झारखंड भी टच करता है, लेकिन मेघालय टच नहीं करता, ठीक है, मेघालय टच नहीं करता। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है आप सभी ने, यस, विच ऑप्शन इज करेक्ट बताएगा जरा, इसका राइट आंसर क्या होगा। पूछा जा रहा है विच इज द थर्ड हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय, हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी। तो देखिए हिमालय की पहली आप पढ़ते हो कौन सी, हिमालय की पहली आप पढ़ते हो जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, ये सबसे ऊंची चोटी देखते हो। दूसरी चोटी आप हाईएस्ट कौन सी देते हो, तो उसका नाम है माउंट केटू, जिसको आप क्या नाम देते हो, गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन नाम देते हो, ठीक है। तीसरी पूछी गई है, तो इसका जो राइट आंसर है सभी को मालूम है, दैट इज अ कंचनजंगा, और ये इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है, इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है, और कहाँ पर स्थित है तो सभी को ये भी मालूम होगा, दैट इज लोकेटेड इन सिक्किम, ठीक है। सो ऑप्शन फोर इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा, यस यस, द संजय नेशनल पार्क एक्सटेंड इन टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफ, संजय नेशनल पार्क निम्न में से किन क्षेत्रों में फैला हुआ है, सीधी और सिंगरौली, सीधी और रीवा, सीधी और सरगुजा, सीधी और सतना, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन है, बट आई होप कि आप इसका आंसर सही कर पाएंगे, ठीक है, अगर आपने नेशनल पार्क पढ़े हुए हैं तो। इसका जो राइट आंसर याद रखिएगा, दरेजा
ऑप्शन वन इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन वन इज करेक्ट। ये एमपी में लोकेटेड है, सीधी और सिंगरौली, और सिंगरौली तो आप सभी को मालूम है एनर्जी कैपिटल ऑफ एमपी, तो इसको क्या बोला जाता है, एनर्जी कैपिटल ऑफ एमपी, ठीक है, एनर्जी कैपिटल ऑफ एमपी मतलब मध्य प्रदेश, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा आप देखेंगे कि कोल स्टॉक पाया जाता है, ठीक है, कोल पाया जाने की वजह से, कोल माइंस पाई जाने की वजह से। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि व्हाट इज कॉल्ड द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन इन अ प्लैनेट इन इट्स ऑर्बिट, इसको क्या बोला जाता है, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा कि जैसे ये सन सेंटर पे लोकेटेड है और इसके चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है, तो कभी एक स्थिति ऐसी आती होगी कि पृथ्वी सूर्य के सबसे क्लोज होती होगी, ठीक है, कभी एक ऐसी स्थिति आती होगी कि जो अर्थ है वो सूर्य के सबसे क्लोज होती होगी, और कभी एक ऐसी स्थिति भी आती होगी होगी कि जो अर्थ है वो सूर्य के सबसे दूर होती होगी, ठीक है। तो इसमें आप किसको देखते हैं, एक अपसौर और एक उपसौर को, यानी कि पेरिहिलियन और अफेलियन, आई होप कि आपने पढ़ा होगा, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अफेलियन। तो आपने जनवरी और जुलाई की डेट्स देखी होंगी, 3 जनवरी 4 जुलाई, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन हम लोग बात करने जा रहे हैं, पूछा जा रहा है सुंदरवन इज द लार्जेस्ट सिंगल ब्लॉक ऑफ टाइडल हेलोफाइटिक फिलिंग द ब्लैंक फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, तो जरा बताएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। सुंदरबन जिसका निर्माण ब्रह्मपुत्र और गंगा नदियों के द्वारा किया जाता है, सुंदरबन डेल्टा का सबसे बड़ा भाग आपके बांग्लादेश में पाया जाता है, भारत के राज्य में देखा जाए तो कौन सा है, वेस्ट बंगाल, ठीक है, और इसको अमेजन ऑफ ईस्ट भी बोलते हैं, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, विच ऑप्शन इज करेक्ट। और इसका जो राइट आंसर होगा ये याद रखिएगा कि इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट में आता है, ठीक है, मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये याद रखिएगा सुंदरबन वाला पार्ट हो गया, ठीक है। हम लोग सुंदरबन की बात करते हैं, आपको गुजरात में भी मिल जाएगा, आपको इसका थोड़ा सा पार्ट जो है कहाँ पे भी मिल जाएगा, आंध्र प्रदेश में भी मिल जाएगा, और इसका थोड़ा सा भाग आपको कहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा, उड़ीसा में भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन माउंटेन रेंजेस ऑफ इंडिया डू नॉट इंक्लूड, इसका सही आंसर क्या होगा, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, विच ऑप्शन इज करेक्ट, हिंदुकुश, विंध्या, अरावली, सतपुड़ा, ठीक है, तुलसी, कल्पना, यस, सभी लोग ट्राई कीजिएगा गाइस कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग आंसर कर सकें, और सेशन को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो इसका जो राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन वन इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन वन इज करेक्ट, ठीक है, ऑफ इंडिया डू नॉट इंक्लूड, तो ये हिंदुकुश माउंटेन आप सभी को मालूम है कि ये सभी ये किस में आता है, आपके पाकिस्तान वाले पार्ट में आता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है डिजॉल्व ऑक्सीजन इन रिवर इज क्लोज टू फिलिंग द ब्लैंक, दिया गया है पार्ट पर मिलियन, 125, 25, 5 या 0, इसका सही आंसर क्या होगा, विच ऑप्शन इज करेक्ट। सो इसका जो राइट आंसर है बच्चों याद रखिएगा दैट इज ऑप्शन थ्री इज करेक्ट, ठीक, ऑप्शन थ्री इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पूछा जा रहा है कि द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड, तो पृथ्वी की हम लोग चार लेयर पढ़ते हैं, जब हम लोग पृथ्वी का इंटीरियर स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर देखते हैं तो पृथ्वी की चार लेयर पढ़ते हैं, आउटर मोस्ट पूछी गई है, तो एक आप पढ़ते हो क्रस्ट, दूसरी आप पढ़ते हो मेंटल, और ये जो अंदर वाली है उसको हम लोग क्या नेम देते हैं, कोर, आप कोर के दो भाग हैं, एक आप देखते हो कौन सा इनर जो सॉलिड होती है, दूसरा देखते हो हम लोग कौन सा आउटर, तो इसका जो राइट आंसर याद रखिएगा दैट इज अ क्रस्ट, और क्रस्ट किससे मिलकर के बनी होती है, तो याद रखिएगा सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से, मेंटल बना होता है सिलिका प्लस मैग्नीशियम से, और जो कोर में इनर कोर मिलकर के बनी होती है तो आयरन प्लस याद रखिएगा किससे, निकल से, ठीक है। सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, पूछा जा रहा है कि व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ महाराजा रणजीत सिंह किंगडम, तो महाराजा रणजीत सिंह किंगडम के जो क्या किंगडम था इनकी राजधानी का नाम क्या था, तो आप ये देखेंगे कि जो आपकी 19वीं शताब्दी थी, 19वीं शताब्दी में छोटे छोटे जो सिख साम्राज्य थे उन सभी सिख साम्राज्यों को इन्होंने क्या किया, आपस में मर्ज कर दिया और एक बड़े सिख एम्पायर की स्थापना की, एक बहुत ही बड़े सिख एम्पायर की स्थापना की, लेकिन बाद में राजा महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाने के बाद सिख साम्राज्य ये जो पूरा सिख एम्पायर था इस पर जो कब्जा हो जाता है वह किसका हो जाता है, इस पर जो कब्जा हो जाता है वो ब्रिटिश जो एम्पायर का, और जो लॉर्ड डलहौजी होता है वो पंजाब को किसका हिस्सा बना देता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो इनकी जो कैपिटल थी याद रखिएगा वो कहाँ पे थी, लाहौर में, ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन फोर इज करेक्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यस यस कॉन्टेस्टेंट पोल ये निम्न में से किस देश में स्थित है, तो जरा बताएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, विच ऑप्शन इज करेक्ट, पेरिस है, इस्तांबुल है, ग्रीस है या रसिया,
विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो इसका आई होप कि सभी को मालूम होगा कि ऑप्शन थर्ड सेकेंड इज करेक्ट, ठीक है, इस्तांबुल। चलिए अगला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कालीबंगन किस नदी के तट पर स्थित है। तो कालीबंगन की बात कर रहे हैं हम लोग, और कालीबंगन आई होप कि आपने पढ़ा होगा कि कालीबंगन हमारे किस स्टेट में है, ये पाया जाता है हरियाणा में। तो हरियाणा में हम लोग दो साइड देखते हैं, एक है आपकी कौन सी, नहीं हरियाणा नहीं गाइड, ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन हुआ है, दैट इज फाउंड इन राजस्थान, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आपने रिमूव करना पड़ेगा कि कहाँ पे पाया जाता है, राजस्थान में, इट इज फाउंड इन राजस्थान, ठीक है, तो ये आपके राजस्थान में पाया जाता है, ठीक है, यस यस इट इज फाउंड इन राजस्थान। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज अ घग्गर, ठीक है, ये कई बार पूछा गया है कालीबंगन के बारे में, तो दैट इज फाउंड इन राजस्थान, और यहाँ पर आपको ब्लैक बंगल्स भी मिल जाएंगी, बोन्स ऑफ कैमल्स भी मिल जाएंगे, ठीक है, सो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन वन इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच सिटी बिकम इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज सिटी। भारत की निम्न में से किस शहर को भारत का पहला यूनेस्को हेरिटेज सिटी बोला गया है? दिल्ली है, मैसूर है, उदयपुर है, या फिर अहमदाबाद, विच ऑप्शन इज करेक्ट? ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जा सकता है, सो जरा बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। सो इसका जो सही आंसर याद रखिएगा वो कौन सा है, दैट इज अहमदाबाद पहली है, दूसरी की बात करेंगे तो कौन सी है, जयपुर है, ठीक है, तीसरी याद रखिएगा कौन सी है, तो ओरछा है, और चौथी अगर आपसे कभी पूछी गई तो याद रखिएगा दैट इज ग्वालियर। तो ये चार हेरिटेज सिटी है, पहला अहमदाबाद, दूसरा जयपुर, तीसरा ओरछा, और चौथा कौन सा है, ग्वालियर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विच इज द लार्जेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड। तो विश्व की सबसे बड़ी आपको गल्फ बतानी है, विश्व की सबसे बड़ी और गल्फ बताइएगा जरा, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो विश्व की सबसे बड़ी गल्फ मिलेगी आपको कहां पर, अटलांटिक ओशियन में। अटलांटिक ओशियन सबसे बड़ी गल्फ मिल जाएगी, और अटलांटिक ओशियन में कौन सी है, मैक्सिको की खाड़ी, गल्फ ऑफ मैक्सिको। सो इसका जो राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट, ठीक है, यानी कि मैक्सिको की खाड़ी को हम लोग विश्व की सबसे बड़ी गल्फ के तौर पर जानते हैं। अगला क्वेश्चन ज्योग्राफी का है, पूछा जा रहा है एंड्रोमेडा इज ए, तो एंड्रोमेडा किसका नाम है, गैलेक्सी है, कॉन्स्टेलेशन है, तारों का समूह है, स्टार्स है, या ब्लैक होल है। सो इसका राइट आंसर बताएगा, ठीक है, कैसे देखिए सभी लोग आंसर करना प्रयास करें, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, और सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिए, ठीक है। सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज एंड्रोमेडा, याद रखिएगा, एक आपकी क्या है, गैलेक्सी है, और हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये आपकी क्या है, नेहबर गैलेक्सी, इट इज अ नेहबर गैलेक्सी ऑफ, ठीक, इट इज अ नेहबर गैलेक्सी ऑफ मिल्की वे। तो ये जो भी आपकी आकाश गंगा है हमारी, उसी आकाश गंगा की नेहबर गैलेक्सी का नाम क्या है, एंड्रोमेडा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज कॉल्ड द टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया। तो निम्न में से किस स्टेट को भारत का टाइगर स्टेट बोला जाता है, आसाम होगा, कर्नाटक होगा, वेस्ट बंगाल होगा, या फिर एमपी होगा, मध्य प्रदेश, ठीक है, विच ऑप्शन इज करेक्ट, आसाम, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, या मध्य प्रदेश। और इसका जो राइट आंसर है ये याद रखिएगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आपके नेशनल पार्क भी पाए जाते हैं, 12 नेशनल पार्क हैं, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की भी बात करने जाए तो मैक्सिमम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, 30 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पाई जाती है, ठीक है। सो इसका जो सही आंसर याद रखिएगा ऑप्शन फोर इज करेक्ट, ये ऑप्शन फोर इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्रिप्स मिशन विच वॉज सेंट टू इंडिया लेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। तो क्रिप्स मिशन जो भारत में भेजा गया था, ये कब भेजा गया था, 1942 में, ठीक है, आई होप कि आपने पढ़ा होगा क्रिप्स मिशन के बारे में, यही बाद में फिर सदस्य भी बन के आते हैं कैबिनेट मिशन में भी। तो जलियांवाला बाग की घटना होती है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सविनय अवज्ञा आंदोलन, या क्विट इंडिया मूवमेंट, तो ये किसको लीड करता है, दैट इज अ भारत छोड़ो आंदोलन 1942, ठीक है, 1942। सविनय अवज्ञा आंदोलन आपने पढ़ा होगा, इसके लिए साइमन कमीशन जिम्मेदार था, ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और इसके लिए रॉलेट एक्ट, तो जलियांवाला बाग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल था वो रॉलेट एक्ट था, ठीक है। सो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर ग्रुप ऑफ रबी क्रॉप। तो निम्न में से रबी की फसल के जो प्रमुख आपके जो फसलें हैं, रबी क्रॉप हैं, उनको बताना है। तो रबी आपको मालूम है कि अक्टूबर और नवंबर में ये बोई जाती है, अक्टूबर और नवंबर से लेकर के इसका जो टाइम पीरियड चलता है वो आपका अप्रैल से लेकर के मार्च तक,
इस टाइम पीरियड का में इसको हार्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। सो इसका जो राइट आंसर याद रखिएगा, दैट इज अ ऑप्शन वन इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन वन इज करेक्ट, आई होप ये सभी को मालूम हो गया हो, ऑप्शन वन इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन वन इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पूछा जा रहा है कि हु वॉज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। तो जब हम लोग किसकी बात करते हैं, एंग्लो और मैसूर वॉर की बात चल रही होती है, तो एंग्लो और मैसूर के बीच में टोटल चार वॉर होते हैं। सबसे पहला होता हैदर अली के साथ, दूसरा भी हैदर अली के साथ, तीसरा टीपू सुल्तान के साथ, चौथा टीपू सुल्तान के साथ, ठीक है। सो इसका जो राइट आंसर है, दैट इज अ ऑप्शन फोर इज करेक्ट, वारन हेस्टिंग्स, ठीक है। तो वारन हेस्टिंग्स के साथ दूसरा एंग्लो मैसूर वॉर होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हु वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन 1870। तो भारतीय सुधार संगठन के संस्थापक कौन थे, जरा बताएगा कि इसका राइट आंसर क्या है। देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, राम मोहन रॉय या दयानंद सरस्वती। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, विच ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। और इसका जो सही आंसर याद रखिए, दैट इज अ केशव चंद्र सेन, सो ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अर्थ क्रस्ट मेनली कंसिस्ट, अर्थ का जो क्रस्ट होता है, भूपर्पटी होता है, जो सबसे बाहरी परत होती है, वो निम्न में से किस मिनरल से बनी होती है, आपको बताना है। और ये क्वेश्चन अभी हम लोग करके आए थे, ठीक है, कि आप किस तरीके से पढ़ते हैं। तो हमने पढ़ा था कि जब हम लोग क्रस्ट की बात करेंगे, मेंटल की बात करेंगे, या फिर आप कोर की बात करने जाओगे, ठीक है, तो क्रस्ट किससे मिलकर के बना था, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, आपको बताया गया था। मेंटल सिलिका प्लस किससे मिलकर के बना हुआ था, मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम। और लास्ट हमने पढ़ा हुआ है कि ये किससे मिलकर के बना है, निकेल प्लस आयरन। ये पॉइंट क्लियर है क्या सभी को, एवरीवन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डॉक्टर एस राधा कृष्णन की किताब का नाम क्या है। सर्वपल्ली राधा कृष्णन, जिनके मेमोरी में हम लोग टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर 5 सितंबर को, हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति, हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति, ठीक है, सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब। और सर्वपल्ली राधन कृष्णन साहब को 1954 में भारत रत्न भी दिया गया था। तो इनके द्वारा जो किताब लिखी गई है वो कौन सी है, आपकी इंडियन फिलोसफी। सो इसका जो राइट आंसर है, दैट इज ऑप्शन थ्री इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन थ्री इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछा जा रहा है कि अंडर हु रूल वर द एलोरा केव ऑफ महाराष्ट्र बिल्ट। तो जो महाराष्ट्र की गुफाएं हैं, एलोरा गुफाएं, वो निम्न में से किस जो है समय में बिल्ट की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर याद रखिएगा, दैट इज ऑप्शन फोर इज करेक्ट। तो राष्ट्रकूटाज के बारे में पढ़ा होगा, राष्ट्रकूटा में आपने इनका एक फाउंडर भी पढ़ा होगा, जिनका नाम क्या था, दंती दुर्ग, दंती। तो इन्हीं राजाओं के समय में किन की गुफाएं बनाई गई थी, एलोरा। तो हम लोग एलोरा की बात करेंगे, एलिफेंटा की बात करेंगे, जितनी भी केव्स हैं देवर कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द राष्ट्रकूटाज, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर लोकेटेड इन द वाटर बॉडी ऑफ। सो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार निम्न में से कहां पर स्थित है, आपको बताना है। तो ये हो गया लक्षद्वीप का पार्ट और ये हो गया अंडमान एंड निकोबार का पार्ट। तो जरा बताएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी को मालूम है कि ये लोकेटेड है आपके किस में, बे ऑफ बंगाल में। भाई ये आपका जो लोकेटेड है लक्षद्वीप, ये किस में लोकेटेड है, अरब सागर में। और अंडमान निकोबार किस में, आपके बे ऑफ बंगाल में, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में। 572 टोटल इसमें याद रखिएगा कि आइलैंड का ग्रुप है, टोटल 572। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है व्हाट इज द सिलिकॉन वैली फेमस फॉर। तो सिलिकॉन वैली निम्न में से किसके लिए फेमस है, इसका राइट आंसर क्या होगा, विच ऑप्शन इज करेक्ट। गाइस सही आंसर टिक करने का प्रयास करिए, काफी सारे बच्चे इसमें गलत कर रहे हैं। तो सिलिकॉन वैली कौन सा शहर है, बेंगलुरु है। आप सभी को मालूम है कि हम लोग बेंगलुरु को सिलिकन से वैली के नाम से जानते हैं। और इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, दैट इज अ ऑप्शन, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ चौहान डायनेस्टी। तो चौहान डायनेस्टी के फाउंडर बताने हैं, जिससे एक राजा बिलोंग करते थे जिनका नाम क्या था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। तो चौहान टोनेस्ट जो डायनेस्टी है, गुर्जर प्रतिहार का पार्ट था। जो गुर्जर डायनेस्टी होती है, गुर्जर प्रतिहार, वो 11th सेंचुरी में 5 भागों में टूट जाती है। चौहान आते हैं, गढ़वाल आते हैं, ठीक है, चंदेलाज आते हैं, परमार आते हैं, और इसी से सोलंकी आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है, दैट इज अ ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, ठीक है, सेकंड इज करेक्ट, दैट इज अ वासुदेव, ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि अमर सेन वॉज अवार्डेड बाई नोबल प्राइज इन द विच ईयर। तो अमर सेन
अमर सेन को याद होगा कि इनको इकोनॉमी की कैटेगरी में नोबेल दिया गया था। ही वॉज अवार्डेड बाई नोबेल प्राइज इन द इकोनॉमी। तो ये कब दिया गया था? ठीक है, आई होप कि इसका जो आंसर है ये मैंने बता ही दिया है। ठीक है, और ये मिला था आपको यस 1998। हाँ, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑलरेडी मैंने जो आंसर इसका दे दिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। पूछा जा रहा है, रीयूनियन आइलैंड, अ स्मॉल फ्रेंच आइलैंड, कैन बी फाउंड इन विच ओशियन। तो ये जो रीयूनियन आइलैंड है, ये निम्न में से किस ओशियन में पाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसको 1998 में क्या दिया गया था, अमर सेन को भारत रत्न, सॉरी नोबेल प्राइज इकोनॉमी में, और 1999 में इनको भारत रत्न मिल गया था। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर याद रखिएगा, दैट इज ऑप्शन वन इज करेक्ट, इंडियन ओशियन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो मेटामॉर्फिक रॉक है उसका आपको एग्जाम्पल बताना है। ठीक है, कन्वर्ट इंटू, ये किस में आपके कन्वर्ट हो जाती है, इसका एग्जाम्पल बताइएगा जरा। सो इसका जो राइट आंसर याद रखिएगा कि जो सेल है, यानी कि हम लोग गेनेसिस की बात कर रहे हैं, किसका एग्जाम्पल है? मेटामॉर्फिक रॉक का, मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा जाए। गुरु नानक वॉज बॉर्न, तो गुरु नानक आप कह सकते हैं कि वॉज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म। तो सिखिज्म के फाउंडर हैं और आप कह सकते हैं फर्स्ट सिख गुरु हैं। ठीक है, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। तो राइट आंसर याद रखिएगा 1469, और सिख धर्म इनके द्वारा जो स्टार्ट किया जाता है वो कब किया जाता है? 1499। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा। पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कार्डमोम इन इंडिया। तो भारत में इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है। विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो आपने देखो ये कार्डमम हिल के बारे में भी पढ़ा होगा, अन्नामलाई हिल के बारे में भी पढ़ा होगा, अगस्त्य मलाई पहाड़ियों के बारे में भी सुना होगा, और इसका जो राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट, केरल। ठीक, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट, केरल। अगला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि अवर आइडियल इज सेल्फ सफिशियंसी नॉट मर्सी, हुज स्टेटमेंट इज दिस। तो निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का कथन है कि हमारा आदर्श दया याचना नहीं आत्मनिर्भरता है? इसका राइट आंसर बताएगा जरा। विच ऑप्शन इज करेक्ट? निम्न में से किस व्यक्ति के द्वारा, किस रेवोल्यूशनरी के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया था जिसका नाम था हमारा आदर्श दया याचना नहीं आत्मनिर्भरता है? और इसका जो राइट आंसर है वो आपने बताना है कि इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन थ्री इज करेक्ट। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पूछा जा रहा है कि इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म, को वैज्ञानिक समाजवाद के जनक के रूप में जाना जाता है। इसका राइट आंसर बताइए जरा। कार्ल मार्क्स होगा, पीटर डे कृष्ण जी होगा, ठीक है, एड्रीवास वेल्सियस होगा, या फिर थे ओ फ्रस्तुस होगा। यस गाइस, सो इसका बताइएगा जरा राइट आंसर क्या होगा, और इसका जो राइट आंसर दैट इज ऑप्शन वन इज करेक्ट, कार्ल मार्क्स। तो आप सभी को मालूम है सोशियलिज्म के जो फाउंडर हैं, जैसे आप कैपिटलिज्म की बात करने जाओ तो कैपिटलिज्म के कौन है? एडम स्मिथ, इनको हम कैपिटलिज्म के बोलते हैं। सोशियलिज्म के कौन है? तो याद रखिए कार्ल मार्क्स, जिन्होंने थ्योरी भी लिखी थी जिसका नाम क्या था? दास कैपिटल। तो इनकी कहानी जो है दास कैपिटल थी, और फिर आपने एक पढ़ी होगी कि मिक्स्ड इकोनॉमी, और ये किसके द्वारा दिया गया था? जे एम कीन्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। पूछा जा रहा है महात्मा गांधी वॉज नॉट एसोसिएटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर। तो महात्मा गांधी निम्न में से किस न्यूज़पेपर से जुड़े नहीं थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? विच ऑप्शन इज करेक्ट? चलिए गाइस जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट आंसर जरूर करते जाइए, और इसका जो राइट आंसर है युगांतर। बाकी तीनों से वो जुड़े हुए थे, ठीक है, युगांतर से वो जुड़े हुए नहीं थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा था इंडियन पार्लियामेंट हाउस वॉज डिजाइन बाई। तो इंडियन जो पार्लियामेंट है जिसमें अभी हम लोग बात करने जाए, 550 लोकसभा की सीट है, 250 राज्यसभा की सीट है, जिसमें से राज्यसभा में कुछ नॉमिनेटेड होते हैं 12 मेंबर प्रेसिडेंट के द्वारा, कुछ कुछ आपके लोकसभा में जो होते हैं नॉमिनेट होते हैं, लेकिन नॉमिनेटेड जो पोस्ट हटा दी गई। तो इसका जो राइट आंसर है याद रखेगा दैट इज मार एडविन लुटियंस। ठीक है, सो इसका जो करेक्ट आंसर, हाँ, सो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइज याद रखना है कि कितना है? ऑप्शन सेकंड। सभी को याद रहेगा ऑप्शन थर्ड, हाँ, ये सभी को करेक्ट आंसर याद रहना चाहिए, ऑप्शन थर्ड। हाँ ठीक है, तो ये जो हमारा पार्लियामेंट है, और अभी आपको मालूम भी है कि अभी एक नया प्रोजेक्ट बन रहा है, न्यू प्रोजेक्ट,
सो न्यू प्रोजेक्ट में भी इस समय काम चल रहा है, ये भी सभी को मालूम होगा। न्यू प्रोजेक्ट पे भी इस समय काम चल रहा है जिसका नाम क्या है, मुझे इस समय दिमाग में नाम नहीं आ रहा है इसका, विस्टा प्रोजेक्ट, ठीक है, अभी हाल ही में इसका चल रहा है ना, विस्टा प्रोजेक्ट। तो इसका भी इनॉग्रेशन ऑलरेडी होने वाला है, ठीक है। यस यस, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, माउंट एल्ब्रस इन अंटार्कटिका इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो जरा बताइएगा, अंटार्कटिका की बात चल रही है, ठीक है, जो आपका पांचवा सबसे बड़ा कंटिनेंट है अंटार्कटिका, तो माउंट एरेबस है, सॉरी नॉट एल्ब्रस, इट इज एरेबस इन अंटार्कटिका इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये निम्न में से किसका उदाहरण है, इसका सही आंसर क्या होगा, विच ऑप्शन इज करेक्ट, डोरमेंट वॉल्केनो, एक्टिव वॉल्केनो, बसाल्ट प्लेटलेव, या फिर सब ग्लेशियर। सो इसका जो राइट आंसर याद रखिएगा, दैट इज ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, ठीक है, एक्टिव वॉल्केनो, तो ये एक्टिव वॉल्केनो का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि द इंडियन सब कंटिनेंट वॉज ओरिजिनली अ पार्ट ऑफ ह्यूज मासेस कॉल्ड, तो जरा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आई होप कि आपने एक थ्योरी पढ़ी होगी जिसका नाम क्या था, पेंजिया थ्योरी। आपने देखा होगा कि जो पेंजिया थ्योरी है ये बाद में दो भागों में टूट जाता है, एक आपने पढ़ा होगा लॉरेशिया, एक आपने लॉरेशिया पढ़ा होगा, दूसरा कौन सा पढ़ा होगा, गोंडवाना, ठीक है। तो लॉरेशिया में कौन कौन थे, आपने पढ़ा होगा कि एक आपका नॉर्थ अमेरिका, दूसरा यूरेशिया, ठीक है। गोंडवाना में कौन कौन थे, तो गोंडवाना में आपने पढ़ा होगा कि इसमें आपका साउथ अमेरिका भी था, इसमें आपका साउथ अफ्रीका भी था, ठीक है, इसमें आपका ऑस्ट्रेलिया भी था, इसी में आपका अंटार्कटिका था, और इसी में आपका इंडिया भी था, तो इंडिया भी किस में इंक्लूडेड था, गोंडवाना लैंड में ही पार्ट में इंक्लूडेड था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच ऑफ दीज सिटीज इज नोन एज द मिलेनियम सिटी ऑफ इंडिया, तो निम्न में से किस शहर को हम लोग भारत की मिलेनियम सिटी के नाम से जानते हैं, नई दिल्ली को, मुंबई को, चेन्नई को, गुड़गांव में, जहां पर मिलेनियर लोग रहते हैं, ठीक है, तो सब करोड़पति अरबपति लोग रहते हैं, तो ये जो राइट आंसर है याद रखिएगा, दैट इज ऑप्शन फोर इज करेक्ट, गुड़गांव, ठीक है। तो गुड़गांव को मिलेनियम सिटी का दर्जा दे दिया गया है, ठीक है। सो चलिए गाइज, ये था हमारा सेशन, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, और टोटल हमने 50 क्वेश्चन कवर किए। आप मुझे जरूर बताइएगा कि आउट ऑफ 50 में आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है, और आपने कितने क्वेश्चन इसमें से सही किए हैं। सो आप प्लीज मुझे जरूर बताइएगा, मेंशन करिएगा, ठीक है, और सेशन बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा, कितना ये आपके लिए हेल्पफुल था। लास्ट में मैं ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप इसी तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हैं, सो आप डेफिनेटली मॉक टेस्ट के लिए एनरोलमेंट कर सकते हैं, और जो टेस्ट बुक के मॉक हैं यहाँ पर बहुत सारे आपको बच्चे मिल जाएंगे, ठीक है, लाखों की संख्या में। और इस समय तो अभी एक्साइटिंग ऑफर्स भी चल रहे हैं, आपको सिंपली एक कोड को यूज करना है, इस कोड को SKT पास को, और एक मॉक टेस्ट के लिए एनरोल करते ही आपको डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के लिए मॉक टेस्ट मिलने वाले, ठीक है। इसके लिए एनरोलमेंट कैसे करना है तो आपको मैं बता देता हूँ, अभी डील ऑफ द मंथ चल रही है 399 में, और इसकी जो डिटेल है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आप किस तरीके से इसके लिए एनरोलमेंट कर सकते हैं। तो सिंपल आपने मुझे फॉलो करना है, और इस समय आई होप कि आप ये देख पा रहे होंगे स्क्रीन में, ये आपका कल का मॉक है, मॉक नंबर 1, जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लीज इसको देख सकते हैं। पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, और ये जो जिन्होंने नहीं देखा उसको जरूर देख लीजिएगा। जब आप सो मोर वाले ऑप्शन में जाएंगे तो इसमें दिखेगा डील ऑफ द मंथ, आप इस डील ऑफ द मंथ में क्लिक करिए, और जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे तो आपको ईयरली पास देखेगा 399 का, और लाइफ टाइम देखेगा आपको कितने का, 599 का। तो इस पे नहीं परचेज करना, आप कूपन कोड अप्लाई करें, कूपन कोड याद रखना है कौन सा है, SKT पास PASS, ठीक है, और जैसे ही अप्लाई करेंगे सो ये प्राइस ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएंगे, और यहाँ पर 340 में पड़ेगा आपका साल भर का, और 510 रुपये में पड़ेगा लाइफ टाइम का। 460 से ज़्यादा एग्जाम यहाँ पे कवर होते हैं, 32,000 मॉक टेस्ट हैं, 9,000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, और 13.6 लाख बच्चे यहाँ पर एनरोल हैं, तो आप अपने आप में एक ह्यूज क्राउड देख सकते हैं, और इसका बेनिफिट डेफिनेटली जब आप इतने बच्चों में अपने आप को कम्पीट करेंगे तो आपको रियल एग्जाम की फीलिंग आएगी, ठीक है। बच्चों ये जो सेशन होता है, इस सेशन के बारे में अगर मैं बताऊँ आपको, तो ये आपका होता है 6 PM पर डे स्टार्ट होता है, मंडे टू सैटरडे, तो आप मुझे 6 PM पर ज्वाइन कर सकते हैं। सो मिलेंगे हम लोग कल सेम टाइमिंग पर मॉक नंबर 3 लेकर के, सो आप मुझसे कल जुड़िएगा 6 PM पर, ठीक है। चलिए गाइस, सो ये था वीडियो का अंत, थैंक यू सो मच, एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।